नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर मेक माय क्लिप पर। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे सीजनल आइटम, जो कि बहुत ही हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहता है इस सीज़न में, जो है भाई दूज का सीज़न, राखी का सीज़न। उसी में हम लेके आए हैं आपके लिए सब्लिमेशन में कस्टमाइज राखियाँ। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप की राखियाँ आपको अवेलेबल होगी। जो पहली राखी हमारे पास होगी आपके सिंगल लेयर मैग्नेटिक राखी। बेसिकली हम लोग जो राखियाँ लाएंगे वो तीनों ही मैग्नेटिक राखी में जाएंगी। ये आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकिंग मिलेगी हमारी राखी की। इसके अंदर आपको 20 डिज़ाइन मिलेंगे, सॉरी 10 डिज़ाइन मिलेंगे और 20 पीस मिलेंगे। हर डिज़ाइन के दो पीस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इस तरीके के हमारे कॉम्बो पैक पूरे बने हुए हैं। इसके अंदर मिक्स डिज़ाइन रहेंगे। जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे तो आपको ये PVC ब्लैंक्स मिलेंगे आपकी राखी के वो प्रिंट करने के लिए। साथ में आपको राखी के ब्लैंक्स मिलेंगे, इसमें अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे। जैसे कार्टून वाली राखी है तो इनमें आपको कुछ अलग अलग बच्चों के कॉम्बो वाले डिज़ाइन, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, ये पॉपाय सेलर मैन वाला आपकी राखी, और उसके बाद जैसे मैं बताता हर किसी के दो पीस आपको इसके अंदर मिलेंगे, मिक्की माउस वाली राखी। और ऐसे ही कुछ 10 डिज़ाइन आपको इसके अंदर हमारे से प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी राखी की और मार्केट में जो राखी की जो कंपैरिजन है, उसमें अगर आपको मैं बताऊँ क्यों हम लोग राखी में बेटर है और क्यों हमारी राखी थोड़ी महंगी प्राइस करी गई है, बिकॉज ये राखी की जो आप फिनिशिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कहीं से भी आपको कोई भी बर्न मार्क नहीं मिलेंगे। हमारी जो बैक साइड ऑफ ये राखी है उसमें प्रॉपर वेलवेट की कवरिंग है और जो मैग्नेट रहती है वो मैग्नेट अंदर कवर है। तो जब आपका कोई कस्टमर जब इसको वेयर करेगा तो वो मैग्नेट की जो स्टिकीनेस होती है उसकी वजह से उनके हेयर स्टिक नहीं करेंगे और उनको कभी चुभने वाले फीलिंग नहीं आएगी। बच्चे भी बड़े प्यार से इसको पहन सकते हैं, बच्चों को भी कोई कभी ऐसी चुभने वाली या इरिटेटिंग फीलिंग्स नहीं आएंगी। और इसकी जो आपको प्रिंटिंग ब्लैंक्स मिलेंगे, आप प्रिंटिंग ब्लैंक्स देखेंगे हमारे जो PVC शीट है उसकी आपको वाइट कोटिंग में थोड़ी प्रीमियमनेस दिखाई सकती है। देखिए कुछ ऐसे तरीके की आपको हमारी PVC शीट मिलेगी। जो हमारी PVC शीट रहेगी उसमें आपको बैक साइड एडहेसिव मिलेगा, जो कि अगर आप फ्रंट से प्रिंट करते हैं तो वो एडहेसिव कुछ बर्न मार्क या ब्लैक मार्किंग नहीं छोड़ेगी। और उसके साइड अगर बैक रिलीज है और जो फ्रंट की आपको ये PVC शीट मिलेगी उसके ऊपर वाइट पेंट कोटिंग करी रहती है, जिसकी वजह से आपको जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एंड रिजल्ट निकल कर आता है। साथ तो हमारे राखी के पैक के अंदर आपको जैसे मैंने दिखाया हर एक के दो डिज़ाइन मिलेंगे। आपको पिडिलाइट की एक ग्लू ड्रॉप्स का पैकेट मिलेगा हमारे से, जिसके साथ ये आपका जो ये थ्रेड रहता है राखी का जिससे आप टाई करेंगे राखी को, उसको बैक साइड से पेस्ट करने में हेल्प करता है। आप ये ग्लू ड्रॉप, एक ग्लू ड्रॉप को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद ये राखी का थ्रेड आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में ले जाके पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस समझाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे ये आपको राखी को यूज़ बनानी है, किस तरीके से आप PSG हमसे अवेलेबल कराएंगे हम जो, और उसको आपको कैसे उसके अंदर आपको इमेज फिट करनी है और किस तरीके से फाइनल आउटकम निकल जाता है। तो अभी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखाता रहूँगा। तो अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा और कौन कौन सी, मतलब दो और वैरायटी की राखी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी जैसे आपको मैंने दिखाई थी सिंगल लेयर कार्टून वाली राखी, जो बच्चों में बहुत ट्रेंडिंग रहती है। इसमें आपको 10 डिज़ाइन हमारे से अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे राखी आपको दिखाएंगे हम, ये आएगी डबल लेयर मैग्नेटिक राखी, जिसमें आपको डबल लेयर मिलती है प्रिंटिंग के लिए। देखिए कुछ ऐसे आपको ब्लैंक प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपको देख सकते हैं जैसे सुपर डैड का आप देखेंगे बहुत ट्रेंडिंग रहता है, ये मैग्नेटिक राखी रहेगी। इसके भी बैक साइड में आपको वेलवेट फिनिश मिलेगी और एक कवर्ड मैग्नेट टेप को हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो आपको इरिटेटिंग नहीं करता है। साथ में इसके अंदर एडिशनल क्या रहता है, जो डबल लेयर रहती है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा MDF प्रोवाइड करा जाता है, MDF ब्लैंक प्रोवाइड करा जाता है, जिसको ऊपर आप प्रिंटिंग करेंगे और वो जो अपर लेयर रहती है डबल लेयर में, जो अपर लेयर रहती है वो ये MDF ब्लैंक ही रहता है। इसको आप ऐसे प्रिंट करके अपनी अपर लेयर पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने करा, इसको आप ऐसे अपर लेयर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये भी मैं आपको अभी प्रिंटिंग के अंदर समझाऊंगा कैसे आप इसको प्रिंट करें,
क्योंकि सारी जो भी हमारी हम राखी प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर आपको PhD फाइल देगी, और कैसे PhD फाइल को आपको एडजस्ट करना है वो मैं आपको एक राखी मैं मैग्नेटिक राखी के ऊपर इस वाली राखी के ऊपर करके दिखाऊंगा। सारी राखियों के अंदर ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, आपको PhD फाइल मिलनी है, आपको बस एक ही प्रोसेस फॉलो करना है किसी भी टाइप की राखी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपका इसका फर्स्ट एलिमेंट रहता है। सेकंड एलिमेंट जो इसके अंदर होता है, जो आपके इनसाइड पे प्रिंटिंग होती है, जो जैसे आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं इसके बीच में जो हम प्रिंटिंग करेंगे, सेम प्रोसेस वो रहेगा जो सिंगल लेयर राखी के अंदर था। एक PVC शीट आपको मिलेगी, वो PVC शीट को आप प्रिंट करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये हो गया आपका डबल लेयर राखी। एट द एंड जो इसके साथ आपको मिलेगा वही ब्लू ड्रॉप का सेट, इंडिविजुअल पैकिंग के आपको कटआउट मिलेंगे, और उसके अंदर अलग अलग पैकिंग के लिए पॉलिथीन प्रोवाइड करी जाएंगी। ये हमारी प्रॉपर 2-in-1 राखी का सेट रहेगा। इस साल हम लोग जो स्पेशल राखी लेके आए हैं, जो एकदम नई है ब्रांड अभी मार्केट में और ट्रेंडिंग चल रही है बहुत, वो है हमारे थर्ड और सबसे प्रीमियम क्वालिटी की राखी जो आपको मिलेगी, वो है स्पेशल इफेक्ट और एम्बोज राखी, स्पेशल मेटेलिक राखी जो हमने आपको हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अभी हमने लिस्ट भी प्रोवाइड करी है। जो स्पेशल इफेक्ट राखी में आपको जो नई चीज़ देखने को मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी राखी जो है ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है सिंगल लेयर राखी के टाइप की, लेकिन इसके अंदर जो आपको अलग चीज़ मिलेगी जो आपको मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा, आप देखिए जो ये स्पेशल इफेक्ट राखी है इसके ऊपर हमने गोल्डन कलर की एम्बोजिंग कराई हुई है, गोल्डन कलर की मेटेलिक एम्बोजिंग है जो कि आप देखेंगे इसके अंदर, जो इसको अलग ही प्रीमियम सेगमेंट के राखी के अंदर पहुंचा देती है और आपको एक स्पेशल इफेक्ट देती है जब आप इसको देखते हैं। तो ये जो गोल्डन कलर की एम्बोजिंग करी गई है यही इस राखी की स्पेशलिटी है, जो मार्केट में आपको इजीली अभी आप देखेंगे नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर ये आपको इस प्रीमियम क्वालिटी की राखी मिलेगी। इसके भी बैक साइड में हम लोग वेलवेट फिनिश देते हैं, आपको हमारे किसी भी राखी के अंदर कोई बर्न मार्क नहीं मिलेंगे जो हमारी इस क्वालिटी की राखी है, और पीछे से वेलवेट फिनिश मिलेगी जो आपको किसी भी तरीके की इरिटेशन या स्टिकीनेस से बचाएगी। आइए मैं अब आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आपको PhD में अपनी फाइल सेट करनी है, कैसे आप इमेज को सेट करें, किस तरीके से प्रिंट निकालेंगे और कैसे इसको फाइनल रिजल्ट बना के सेट करेंगे। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों को कैसे प्रिंटिंग प्रोसेस रहती है, तो बेसिकली हमारे से आपको ऐसे कुछ देखेंगे अगर आप, तो ये डाउनलोड में जाके आपको ऐसे हमारे से पूरा एक फॉर्मेट ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो हर एक टाइप की जो आपकी राखी रहेगी उसकी हम आपको इंडिविजुअल आपके नेम करके PhD फाइल देंगे। तो जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं ये सुपर डैड वाले जो सुपर वाले पे सुपर ब्रो वाले राखी के ऊपर आपको प्रिंटिंग करके दिखाऊंगा, तो ये कुछ इस तरह की आपको PhD फाइल मिलेगी। आपको बस ये करना है अपने फोटोशॉप में जाना है, ऐसे फाइल करके ओपन में जाके आपने जहाँ आपकी जो फाइल है उसके नाम से आपने सर्च करनी है PhD राखी सुपर के ऊपर क्लिक करके ऐसे ओपन दबा देना है। जब ओपन दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी लेयर्ड फाइल पूरी प्रॉपर दिखने को मिलेगी। ये आपकी PhD होती है, ठीक है, ये आपकी फ्रंट वाली जो एलिमेंट था जो हमने आपको दिखाया था उसकी PhD है, ये बैक वाली एलिमेंट की, दोनों बराबर हैं तो इनमें कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा। आप इसको ही रेप्लीकेट भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपसे लॉस्ट हो जाए एक साइड का, तो आपकी ये दोनों PhD जो है ये एकदम इक्वल साइज की रहती है, ठीक है। जो हमने इसमें सुपर डेड वाला इफेक्ट दिया वो हमने आपको PhD में लोडेड दिया है, जो सुपर मैन वाला जो एक इफेक्ट देते हैं हम अपने अपर साइड ऑफ द कीचेन को, तो उसमें कुछ आपको ऐसे हमने कलर ऑलरेडी सेट करके दिए हैं, आपको इनके ऊपर ऐसे ये सेट कर लेना है, ठीक है। बाकी आपके क्रिएटिविटी आप लोगों की खुद की रहेगी, आप लोग क्या प्रिंट करना चाहेंगे, एक ब्लैंक सरफेस है इसके ऊपर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों साइड राखी पे एक ही फोटो को ही प्रिंट कर सकते हैं, या एन नंबर ऑफ वेज के आपके पास है जिससे आप अपनी राखी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम आपको लेके जाएंगे इसके अंदर आपको कैसे अपनी फाइल को या फोटो को फिट करना है, तो कोई भी आप जैसे फोटो ले सकते हैं, जैसे आप देखेंगे मैंने अपनी ही एक फोटो को यहाँ पे ऐसे सेट करा हुआ है, ठीक है। ये फोटो हमने एक साइज को बनाया हुआ है फोटो को, आपने इसको कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप,
एंड ड्रॉप इसके ऊपर आप करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे, कंट्रोल टी दबाने से साइज रिसाइज करने का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। रिसाइज करने के बाद अब इसको ऐसे पीएचडी के साइज का ऐसे रिसाइज कर लेंगे, देख लेंगे कहीं से आपकी कटिंग ज्यादा ना हो। ठीक है, आपने ऐसे रिसाइज को कर लिया, रिसाइज करने के बाद इसको आप टिक कर देंगे या एंटर दबा देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपकी फाइल है ये आपकी पीएचडी फाइल के एकदम टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर ही रहे, जैसे कि यहाँ पे ये आप देखेंगे ये आपकी पीएचडी फाइल की लेयर है 1 और जो आपकी फोटो की लेयर है वो उसके ऊपर है। ठीक है, ऐसे आपने कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ही इजी स्टेप है। कोई भी आपको हमारे से प्रोडक्ट ले जिसके हम आपको पीएचडी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने इसको क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये वाला जो आपका ऑप्शन है क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आप ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ऐसे पीएचडी के अंदर सेट हो जाएगा, इसको आप अभी भी हिला सकते हैं यूं करके, या आपको जैसे आपके अलाइनमेंट सही लगे आप इसको अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपके अलाइनमेंट ये ठीक सेट हो जाए, आपने कुछ नहीं करना है, इसको आपने सेट करके प्रिंट कर देना। जैसे हम आपको अभी दिखाएंगे ये आपकी राखी का जो एलिमेंट है, इसके बाद आप लोग टेक्स्ट भी बना सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट फोल्डर करके, मैंने कुछ ऐसे फॉर्मेट रेडी करा हुआ था टेक्स्ट को करके, संचित के नाम से मैंने ये आपको फाइल बना दी है। ये आपका डन हो जाएगा, आप इसको सारी फाइल को मर्ज कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट की दबा के, ये आपकी पूरी एक फॉर्मेट मर्ज हो गई है। फिर इसको अब आप प्रिंट कमांड दे देंगे, इसको आप क्या करेंगे, आप अपने A4 साइज के ऊपर पेपर के ऊपर सेट कर लेंगे, ऐसे कंट्रोल न्यू दबा के आपने एक A4 साइज का शीट ली, इसको सेट कर लिया, उसके ऊपर आपने अपनी ये जो फाइल है उसको ऐसे यहाँ से क्लिक करके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और आपकी ये फाइल यहाँ पे सेट हो गई है। यहाँ से आप कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, कंट्रोल पी से आपका प्रिंट का प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा आएगा, प्रिंटर का ऑप्शन आप जाएंगे अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट सेटिंग में जाके आप देख लेंगे आपने ओरिएंटेशन कैसी रखी है, यहाँ लेटर्स हैं तो आपको ऑब्वियसली मिरर इमेज चेक कर लेना है कि आप जो भी है यहाँ पे आपको दिख रही है हाई ऑप्शन मैटिक और प्रिंट कॉपीज 1, प्रिंट कमांड मिरर इमेज चेक कर लेंगे ओके करके। इसको यहाँ पे एक और सेटिंग रहती है जो आपको चेक कर लेनी है, ये देखेंगे आप स्केल टू फिट मीडिया, ये आप दबा देंगे जिससे आपकी कहीं से भी कटिंग नहीं होगी और आप प्रिंट कमांड रन कर देंगे। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि आप इसको कैसे हीट ट्रांसफर करेंगे। सो बेसिकली जैसे भी आपको हमने दिखाया था डिजाइन प्रिंट कैसे करेंगे, ये आपके कुछ डिजाइन प्रिंट होकर आएंगे, आप उनको ऐसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आपका फाइनल आउटकम आएगा, आपका हमेशा जो आएगा मिरर इमेज निकालेंगे अगर टेक्स्ट होगा तो, ये आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो आपको प्रिंटिंग करनी है, आपको पीवीसी शीट्स मिलेंगी ऐसे, इस तरीके की कुछ पीवीसी शीट मिलेंगी, उसमें मैंने प्रिंटिंग पेस्ट कर दी है ऑलरेडी, ऐसी कुछ पीवीसी शीट्स मिलेंगी जो कि आपको प्रिंट करके अपने ब्लैंक्स के ऊपर स्टिक करनी है। एक ब्लैंक होता है आपका ये वाला जो आपका सुपर प्रो जैसे है, ये एक ब्लैंक है जिसके ऊपर आप अंदर वाली जो आपकी फोटो वाली है या जो भी आप क्रिएटिव जैसे बना रहे हैं वैसे आप ऐसे पेस्ट करेंगे। जो दूसरा ब्लैंक होता है आपको एक ऐसी एक MDF मिलती है, मैग्नेट MDF मिलती है फ्रिज मैग्नेट टाइप की, उसके ऊपर हम पेस्टिंग करते हैं। बेसिकली दोनों के ऊपर ही PVC से हम प्रिंटिंग करेंगे और पेस्टिंग करेंगे, ये कोई भी सब्लिमेशन MDF नहीं है इसमें। तो आपको जो डिज़ाइन सेट करना है उसको आप ऐसे इसके ऊपर यूँ रख के ये अपना आप डिज़ाइन सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप इसकी ऐसे टेपिंग कर लेंगे, ऐसे आपने ये टेपिंग कर लिया कुछ इस तरह। हमेशा आप ध्यान रखें जो आपकी ग्लॉसी साइड है वो आपकी प्रिंट की तरफ जाएगी, जो मैटी साइड होती है बेसिकली ये रिलीज एरिया होता है आपकी पीवीसी का, जहाँ पे गमिंग होती है वहाँ से रिलीज करते हैं आपको गमिंग को, तो वो आपकी बैक साइड रहेगी। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या टेम्परेचर टाइमिंग सेटिंग रहेगी इसकी। बेसिकली जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे इसका 190 डिग्रीज पे एंड 35 सेकंड्स के लिए आप सेट करेंगे, ये आइडियल टेम्परेचर है। देखिए आपकी हीटिंग अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो आप टाइम कम कर सकते हैं, या आप टाइमिंग बढ़ाएंगे तो आपको टेम्परेचर कम करिए ताकि आपके बेस्ट आउटकम निकल के आए।
अब हमने टेम्परेचर सेट कर लिया है, वंस अब हमारी मशीन वहाँ पे पहुँच जाए हम इसको फ्यूजिंग कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली आप इसको ऐसे रख देंगे और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे प्रेस करके इनको ट्रांसफ़र करना है। जब आप इसकी पेस्टिंग करेंगे उस वक्त आपको चेक करना है, जब आप पेस्टिंग करें कि कौन सी साइड आपकी, जो ये MDF ब्लैंक आएगा, जो मैग्नेट आएगी, कौन सी साइड के ऊपर आपने पेस्टिंग करनी है। सो बेसिकली आप जो पेस्टिंग करेंगे आप उस साइड पे करेंगे जो ऑपोजिट है आपकी कनेक्टिंग साइड। जो कनेक्टिंग साइड कैसे आप इसको चेक करते हैं, देखिए एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अगर आपके जो पोल्स हैं वो एजेस ऐसे मीट नहीं कर रहे हैं, देखिए जैसे मीट नहीं कर रहे हैं ये, राइट, ये मीट नहीं करेंगे मतलब ये आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल ही मीट करते हैं। तो इसको आप उल्टा कर देंगे और ऐसे देखिए ये स्टिक कर जाएगा, तो आपका नॉर्थ और साउथ मिल गया। तो जो आपका अपर एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, उसके ऊपर आपने पेस्टिंग करनी है। जो आपका आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो आपने पेस्टिंग इस साइड पर करनी है। तो आप इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं बिफोर आप अपना कोई भी फाइनल पेस्टिंग या प्रिंटिंग वगैरह करें कि आपकी किस साइड पे प्रिंटिंग होनी है, कहाँ पे आपकी पेस्टिंग होनी है। अब आप एक बार मैं इसको, आपकी टेम्परेचर रीच हो गया है ऑलमोस्ट, हम इसकी फ्यूजिंग के लिए उसको प्रेस कर देंगे। वंस ये ओके आ जाए मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी पेस्टिंग करेंगे, कैसे आप इसको फाइनल आउटकम देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंट होके आ गया है, इसको हम ऐसे रिलीज कर लेंगे, कर लेंगे आप। ये आपका प्रिंट होके आ गया है। जो दूसरा एलिमेंट है आपका फ्रंट एलिमेंट है, उसको भी आप ऐसे ही रिलीज कर लेंगे और आप देखेंगे ये शानदार प्रिंट होके आया है। अब इसकी हम जो पेस्टिंग करेंगे, पहले हम अपर एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे। जो है आपको ये जो आपकी ये वाला ब्लैंक है, आपने दोबारा एक बार फाइनली चेक कर लेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल का। आपने ऐसे देखा आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल पता चल गया, यही मतलब इस साइड ही आपकी पेस्टिंग होगी, ठीक है। इसका आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से पीछे एडहेसिव का जो हिस्सा होता है उसको ऐसे आप बहुत ही इजीली आप ऐसे रिलीज कर लेंगे। रिलीज करने के बाद आप इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आपने देखा ये हमने ऐसे इसको पेस्ट कर लिया है, आपका पेस्ट होके रेडी हो गया है। जो इनसाइड ऑफ द एलिमेंट है वो हमारी जो दूसरी शीट थी, जैसे कि ये जो शीट है, सेम प्रोसीजर रहेगा। आपने ऐसे इसको यूँ रिलीज कर लिया, रिलीज करने के बाद आपने ये लिया आपका एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट आपने मैच कर लिया अपना, और आपने इसको ऐसे, मैं दिखाता हूँ दोबारा, ये इनसाइड में ऐसा देख के आप इक्वल प्रोपोर्शनेट में आपने ये ऐसे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा आउटकम निकल के आएगा, ये देखिए ये आपका इनसाइड ऑफ द एलिमेंट, ये आपने पेस्ट कर लिया। सो आप देख लेंगे बेसिकली आपका कैसे आपके दोनों एलिमेंट हमने रेडी कर लिए हैं प्रिंट करके। अब इसको आप ऐसे इसके ऊपर यूँ पेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। अब आपका जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके। अब आपको दिखाते हैं जो बैक ऑफ द राखी है उसके ऊपर आप कैसे पेस्टिंग करते हैं। तो आपको ये हमारे जो ग्लू ड्रॉप्स मिलेंगी साथ में, पिछले की जो ग्लू ड्रॉप्स हैं वो आपको मिलेंगी, उनको आपने ऐसे रिलीज कर लेना है। ये रिलीज कर लेंगे आप इसका भी ऐसे, और ये देखिए जो पीक में यहाँ पे आपको सेंटर में एरिया मिलेगा उसके ऊपर ऐसे आप करके जो रखेंगे और ऊपर करके ऐसे आप रिलीज कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसको रिलीज कर लेना है। रिलीज करने के बाद आपने ये थ्रेड लेना है, थ्रेड पे आप देखेंगे एक राउंड कलर की एक सेंटर आपको मिलेगा, उनके ऊपर आपने ऐसे इसको न्यू सेंटर में पेस्ट करके ऐसे ये आप ऐसे इसको रिलीज कर लेंगे। अब आप देखेंगे आपकी राखी हमारी फाइनली रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपकी राखी रहेगी। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आपका रेडी हो गया है, इसको आप ऐसे उठा के यूज कर सकते हैं। और ये सेकंड एलिमेंट है, ये डबल टू इन वन राखी आपकी जो होती है कि ये अपर एक एलिमेंट जो मैग्नेटिक होता है और ये लोअर जो आपका मैग्नेटिक होता है, इसके ऊपर आप ऐसे यूँ पेस्ट करेंगे ये डिज़ाइन, और ये आपका ऐसे अंदर हटाएंगे तो फोटो ऐसे करके आप पेस्ट कर देंगे, और ऐसे आप हटाएंगे तो ये आपकी फ़ोटो आ जाएगी। इसको आप बांध सकते हैं हाथ पे ऐसे, ये आपका
फाइनल आउटकम निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया कैसे आप सब्लिमेशन राखी को प्रिंटिंग करते हैं, क्या आपकी सब्लिमेशन राखी के अंदर हमें डिज़ाइन मिलेंगे, क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं, 2-in-1 राखी है, स्पेशल इफेक्ट्स राखी है, कार्टून राखी है। तो जो प्रिंटिंग प्रोसीजर रहेगा वो हर एक का एक जैसा ही है, आपको बस एक PVC शीट के ऊपर आपको PSD सेट करनी है और उसके अंदर आपको प्रेस हीट ट्रांसफर करना है और वो PVC शीट को रिलीज करके गमिंग फीचर से आपको अपने प्रिस्क्राइब राखी के ऊपर पेस्टिंग कर देनी है। सो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस सब्लिमेशन राखी की प्रिंटिंग का। अब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे गए हुए किसी भी नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है D25 पांडव नगर न्यू दिल्ली, नियर माय लैंडमार्क अक्षरधाम मंदिर। और अभी आप हमें अपने कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे प्रोडक्ट कैसे लगे। अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच पहुँचाइए अपने यारों दोस्तों के पास, जिससे हम आपके और मदद करते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें।